हेलो दोस्तों, तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ताबो विलेज में। और इस प्रकार से यहां पर एक गेट लगा हुआ है, ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों अंदर, और यही ताबो विलेज में इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री है, तो जाके एक बार देखते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है यहाँ पर मोनेस्ट्री का गेट, और अभी जाते हैं गेट से अंदर। और यहाँ पर नई मोनेस्ट्री भी है और पुरानी भी है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक विलेज में यहाँ पर। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं। एंटर करते ही कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और सामने एक गोल्डन सा स्टूपा है। और अभी आगे जाके देखते हैं। और दोस्तों ये है आपके सामने इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री, जो कि ताबो में है। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर एक बार। और यहाँ पर जो स्टूपाज हैं दोस्तों, वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये मोनेस्ट्री है। ओके, तो दोस्तों ये जो मोनेस्ट्री है करीब 1000 साल पुरानी है, और यहाँ पर जो स्टूपाज हैं वो भी मिट्टी के बने हुए हैं, और काफी पीसफुल सा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप यहाँ पहाड़ के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ केव्स बनी हुई है जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो पहले बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो आप केव्स पर भी जा सकते हैं, केव्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग केव्स पे जाना है या नहीं जाना है। बाकी ये है इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री। ओके, तो दोस्तों ये थी इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री, जो कि ताबो में है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर केव्स हैं जहाँ पर मॉन्क्स बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो एक बार फिर से कुछ इस प्रकार की है ताबो मोनेस्ट्री। और देखते हैं दोस्तों, अभी पता करते हैं कि से अगर केव्स नज़दीक हैं तो जाके एक बार देखेंगे, नहीं तो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ धनकर मोनेस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों ये है ताबो मोनेस्ट्री, और ये है इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो दोस्तों इस मोनेस्ट्री को बनवाया था किंग ऑफ गुगे किंगडम ऑफ वेस्टर्न टिबेट येशे ओड, एंड इस मोनेस्ट्री को हिमालयस का अजेंटन एलोरा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये 1000 साल पुरानी है। जब ये बनी थी उसी टाइम से ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं सहेज कर रखी गई हैं। ये जो ताबो मोनेस्ट्री है ये 996 एडी में बनके तैयार हुई थी, और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मिट्टी का है, और आज भी ऐसे कैसे इंटैक्ट है। ओके, तो दोस्तों ये थी ताबो वाली मोनेस्ट्री, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मोनेस्ट्री की जो केव्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे। थोड़ा सा जो रास्ता है वो सड़क का भी है, और फिर कुछ देर की चढ़ाई है, तो एक बार वहीं पहुंच के देखता हूं मैं जा भी सकता हूं या नहीं भी जा सकता हूं। फिलहाल के लिए फाइनल गुड बाय टू ताबो मोनेस्ट्री, और इसके बाद हम लोग जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री। पार्क कैफे नहीं दिख रहा आपको? कैफे क्योटली वहां से गया है रास्ता ऊपर सीधा, और आगे नहीं जा सकते? और आगे नहीं, बस इधर से रास्ता यही है, गाड़ी इधर ही लगा लो आप, रास्ता यही है, वही है मेडिटेशन करते थे जिसमें लामा वगैरह वो सारी ऊपर गए। ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों मोनेस्ट्री से निकलने के बाद यहाँ पर राइट साइड लगभग 100-200 मीटर तक ये गाड़ी आती है, फिर उसके बाद ये स्टेयर्स आ जाती है, और ये जो स्टेयर्स हैं ये जाती हैं सीधा ऊपर केव्स की तरफ। तो एक बार चलते हैं दोस्तों केव्स की तरफ, और जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो यार चलते हैं केव्स तक भी। तो दोस्तों यहाँ से केव्स की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में मोनेस्ट्री का भी एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा, और ये कुछ इस टाइप का रास्ता है। कुछ यहाँ पर थोड़ी देर तक कुछ स्टेयर्स बनी हुई थी, और अभी आगे जो रास्ता है वो ट्रेल बनी हुई है। और ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की केव्स हैं यहाँ पर, एक ही ये है, एक ये फिर सेंटर में है, और यहाँ पर आगे भी ये सब केव्स हैं। और कुछ केव्स इनमें से काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ठीक ठाक कंडीशन में है अभी भी।
तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार की केव्स हैं यहाँ पर। सामने भी है और वहाँ नीचे से हम लोग आ रहे हैं अभी, और काफ़ी ऊपर तक है अभी भी। ये देखिए बिल्कुल बिखरे पड़े हुए हैं, और ऊपर यहाँ खड़ी सी चढ़ाई है बिल्कुल। तो अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे, तो पैर जमा जमा के चलना पड़ रहा है। चलते हैं अभी, वीडियो बंदी करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ना खिसक रहे हैं, कहीं भी पैर नहीं जम पा रहा। और अगर फीस लेना तो सीधे नीचे। तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पर इस केव के ऊपर। यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक व्यू नज़र आता है यहाँ का, और काफ़ी सारी केव्स हैं यहाँ पर। आप चाहें तो जितना ऊपर जाना चाहें उतना ऊपर तक जा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे समय पे याद आती है कि अगर ट्रैवलिंग में कोई साथी भी हो तो कम से कम फ़ोटो तो खींचना आसान हो जाता है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक फ़ोटो का पॉइंट है, ये बहुत ही बढ़िया एक फ़ोटो आ सकती है। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ तो कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। चलते यार। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारी केव्स हैं, और अभी हमने कई सारी केव्स देख ली। अभी और आगे क्या ही करना, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से धनकर, और धनकर में भी एक मोनेस्ट्री है तो वहाँ पर चलते हैं। क्योंकि आज मुझे ट्राई करना है कि धनकर से आगे ही निकल जाऊँ मैं, धनकर में रुकना ना पड़े, और देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों अभी नीचे की तरफ। और ये जो पत्थर है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, तो पैर जमा के चलना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार की केव्स हैं, और एक केव ये भी है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ से अगर नीचे उतरते हैं तो रेतीला रास्ता है, पैर ना फिसले यहाँ से यार। ओके, ये रास्ता सही है, यहाँ पैर फिसल नहीं रहे बल्कि धस रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं शूज़ नहीं पहन रहा, क्योंकि ये जो चप्पल है ना, ये गंदी हो जाती है, और इनको इजीली फिर वॉश कर लिया जा सकता है। तो कहीं भी जहाँ पानी वानी की स्ट्रीम होती है वहाँ ये साफ़ हो जाती हैं। लेकिन ये भी गिर गई, दोनों ही गिरेंगी। और शूज़ का क्या रहता है, शूज़ गंदे हो गए तो फिर साफ करने बड़े मुश्किल हैं। ओके, तो यहाँ से तो अभी आगे पक्का रास्ता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी चलते हैं नीचे यार। और ये वाले जो फूल आप देख रहे हो दोस्तों, ये मुझे यहाँ स्पीति में ही नज़र आए, पता नहीं इनका नाम क्या है, बट प्यारे से फूल है, वाइट कलर के काफ़ी। और ये इससे पहले मुझे नहीं दिखे गई, यहाँ स्पीति में आने के बाद ही मैंने ये फूल देखे। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ ताबो से, और हम लोग अभी जाएंगे आगे धनकर मोनेस्ट्री।